हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंसिपल्स। आज हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोसिटी में कुछ रह गया था। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मोड्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है मोड्स ऑफ एक्सचेंज। में हमने बात की थी कि पोलायानी ने बोला था, इन्होंने जो बात की थी वो किस चीज़ की थी, जैसे मैं इन्होंने रेसिप्रोसिटी की बात की। इन्होंने बोला था तीन मोड्स हैं रेसिप्रोसिटी। इन्होंने रेसिप्रोसिटी का बोला था, रीडिस्ट्रीब्यूशन का बोला था, और ट्रेड का। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, रेसिप्रोसिटी में हमने बोला था तीन टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, उसके बाद होता है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, और इसके बाद होता है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। तो बोला क्या था कि अगर इसको एक कंटिन्यूम पे हम रखेंगे तो यहाँ पे जनरलाइज रेसिप्रोसिटी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोसिटी आएगा, और बीच में इसके बैलेंस रेसिप्रोसिटी आएगा, जो मैंने आपको कल बताया था, जो सहलेंस ने कहा था। अभी आगे देखते हैं। रेसिप्रोसिटीज में हमने जनरलाइज रेसिप्रोसिटी की बात तो की, ठीक है जी। जनरलाइज रेसिप्रोसिटी में हमने बोला इसमें एक एलिमेंट ऑफ एल्ट्रुइज्म होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आप पे पैसा खर्चा करते हैं, एंड ऑल दैट, वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी इन डिटेल। अभी आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे बात बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी की। अभी बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में क्या आएगा, तो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में देखो क्या आता है। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी ऐसे हम समझेंगे कि देखो, जो होता है ना, पहले डायरेक्ट एक्सचेंज होता है इसमें, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स का, ठीक है जी। और ज्यादा जो टाइम होता है वो नहीं लगता ज्यादा, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, वन थिंग, जिसमें वन थिंग इज एक्सचेंज फॉर अनदर थिंग। कुछ ए चीज दी ए, तो बी दो पार्टीज हैं, ये अपने आप में ऐसे एक्सचेंज करते हैं, एक चीज यहां से आती है, दूसरी चीज यहां से आती है। तो टाइम जो है, टाइम फैक्टर इसमें वो कम होता है, या इनफैक्ट इसी टाइम भी हो सकता है। फाइन, यहाँ पे एक बैलेंस रेसिप्रोसिटी का एक वेरिएशन है, जिसे हम कहते हैं परफेक्टली बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। वो क्या होता है कि दो पार्टीज हैं ए और बी, वो इक्वल वैल्यू के गुड्स देते हैं, ठीक है, इक्वल वैल्यू के गुड्स देते हैं। ए ने बी को दिया, बी ने वापस दिया, टाइम भी बहुत कम होता है उसी टाइम पे, तो उसे हम परफेक्टली बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी कहते हैं, परफेक्टली बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। इसमें क्या होता है, उसी टाइम पे होता है, सेम वैल्यू पे होता है। पहले क्या होता था, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज में, तो उस टाइम पे मनी था नहीं, तो बार्टर होता था। आप यहां से किसी को एक्स दे देते थे, वो भी वहां से एक्स दे देते थे उसी टाइम पे, उसे हम बोलते थे परफेक्टली बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। लेकिन अभी क्योंकि मनी आ गया सीन में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप गुड्स एक्सचेंज करते हैं, आप इक्वल वैल्यू के, ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू के करते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में जैसे कोई त्योहार है, हमारी कंट्री बहुत सारे होते हैं, कोई त्योहार है, आपने अपने फ्रेंड को दिया कुछ, वो आपको वापस देता है कुछ गिफ्ट, एक कहीं ना कहीं ये तो होता है ना कि यार मैंने इसको कुछ दिया, इसने भी कुछ देना है, ठीक है। तो वो आता है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी कोई ज्यादा वो डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने के लिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो क्या होता है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में। यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं ना, पर्सनल रिलेशंस, वो तो होते हैं, लेकिन कम उनकी जो इनका इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे जो फिनेंशियल, या जिसे हम इकोनॉमिकल वैल्यू कहते हैं ना, उसकी ज्यादा बात होती है, उस पे ज्यादा डिपेंडेंस होती है, ओवर रिलायंस होती है, ठीक है। तो जो पर्सनल टच होता है वो तो होता है, लेकिन पर्सनल वैल्यूज की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स के बीच में, अगर जनरल रेसिप्रोसिटी पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में जो होता है, आपको पेरेंट्स कुछ देते हैं, आप उन्हें वापस दे ना दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सनल एलिमेंट, ये तो होता है, तभी तो एक एक्सचेंज होगा, लेकिन लेकिन पर्सनल एलिमेंट होता है, कम होता है उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो रोल होता है। यहाँ पे इकोनॉमिकल वैल्यू, ये चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है यार, या दूर दराज का कोई रिलेटिव, आपने उसको कुछ दिया गिफ्ट, ठीक है, आपने दिया, एक बार आप देंगे, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे, अगर वो कुछ नहीं दे रहा ना, तो आप उसे वापस कुछ नहीं देंगे। तो ये समझना है, इंपॉर्टेंट है, कि अंडरलाइंग जो इसके जो बात है, जो वैल्यूज हैं, वो ये है कि पर्सनल एलिमेंट दो इट इज देयर, बट इसका जो रोल होता है वो कम होता है, ठीक है जी। इकोनॉमिक जो रोल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है।
क्या कहते हैं इसको, बैलेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी पे। अब नेगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या होती है? देखो, इसमें दो पार्टीज होती हैं, ए और बी। ए चाहता है मैं बी का कुछ भी करके इसे ज्यादा लूं, बी चाहता है मैं ए से ज्यादा लूं, ठीक है। जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी, ए चोर है, उसने बी के घर में डाका डाला या कुछ भी किया, ठीक है। या गैम्बलिंग हो गया, ठीक है। गैम्बलिंग में भी ऐसा ही होता है ना कि दोनों पार्टी जो होती हैं कि वो ट्राई करती है मैं इसे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा निकालूं, ठीक है। ओके, मटेरियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं की इंपॉर्टेंस होती है। मटेरियल एस्पेक्ट्स, जैसे हमने ऊपर बोला था इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या मटेरियल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, इनकी ज्यादा बात होती है बैलेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी में। लेकिन नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में सिर्फ मटेरियल वैल्यू, सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ यही होता है। ये नहीं कि चोर का, अगर आपके जेब से कोई आपका पर्स चुराता है तो उसे क्या पड़ी है यार, आपके साथ पर्सनल रिलेशन, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में जो रिलेशंस होते हैं वो जाए बाढ़ में वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे होता है कि पैसा क्या मिलेगा, मटेरियल वैल्यू, गोल्ड जो भी मिलता है वो आपसे चोर चुरा लेता है। या गैम्बलिंग भी आप करते हैं, वहां पे पर्सनल जो इफेक्ट हो, पर्सनल जो साइड होता है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। मटेरियल एस्पेक्ट इज ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स, वो एक साइड से होता है, ठीक है। क्योंकि एक साइड तो एक साइड से जाएगा, दूसरा वाला, दूसरी वाली जो पार्टी होती है वो लॉस में होती है, ठीक है जी। ओके, अभी हमने थोड़ा सा, ये फिर से याद दिलाता हूँ आपको, इसमें आई एम सॉरी थोड़ा सा मैस हो गया। तो हमने मोड्स ऑफ एक्सचेंज की बात की थी। मोड्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बोला था एक एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी होती है, वो ये होता है कि कुछ आप देते हैं वहां से बदले में कुछ मिलता है। तो रेसिप्रोसिटिंग जो होता है, रेसिप्रोकेटिंग सॉरी, उसका रोल होता है यहाँ पे विजिबल होता है। पॉलियानी ने बोला था तीन मोड्स ऑफ एक्सचेंज या रेसिप्रोसिटी हमने डिस्कस किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड। फिर से बताता हूँ, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी में हमने, मैंने आपको बोला था पेरेंट्स के आपके साथ रिलेशन, वो क्या करते हैं, वो आपको देते हैं चाहे आप उन्हें दो ना दो। जो वापस देने का जो सिस्टम होता है वो बड़ा ही वेग होता है, ठीक है जी, वेग होता है। तो उसके बाद बैलेंस रेसिप्रोसिटी, आपने कुछ दिया इक्वल वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल रिलेशन तो होती है लेकिन उसका जो रोल होता है वो कम होता है, और यहाँ पे मॉनिटरी या जो इकोनॉमिक वैल्यू है चीज का या ट्रांजैक्शन का, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, यहाँ पे जो बिल्कुल भी पर्सनल रिलेशनशिप कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे मटेरियल एस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वही सीन पे होते हैं। तो हमने अभी बात की रेसिप्रोसिटी, ठीक है, मोड्स ऑफ एक्सचेंज में। रेसिप्रोसिटी इसमें थोड़ा सा लंबा है क्योंकि रेसिप्रोसिटी में फिर ब्रांचेस निकल गए। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आप कन्फ्यूज नहीं होइए, कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने ही वीडियोस को ब्रेक करके आपको कंफ्यूज करा। तो रेसिप्रोसिटी आपको समझ आ गया होगा, रेसिप्रोसिटी के तीन टाइप्स थे। ओके, उसके बाद जनरल रेसिप्रोसिटी थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा था, इसमें एल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फैक्टर्स भी बोले थे रेसिप्रोसिटी के हमने आपको। अभी हम देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे पता है कि फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना, इफ वी लुक एट दी नो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो वही आता है कि फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पूलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इसमें क्या होता है, इन विच गुड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड। होता क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो भी भाई साहब जो भी बना वो आपने कहाँ लाना है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। कोई किंग होता है, वो बोलता है, उसके रूल्स होते हैं कि आप भाई साहब लेके आ जाओ, आपको लेके जाना पड़ता है। कहीं कहीं पे रूल्स होते हैं, कहीं जबरदस्ती भी होती है, कुछ भी होता है। तो एक सेंटर पे आता है सब कुछ, जो भी आपने प्रोड्यूस किया एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद ये जो आपका प्रोड्यूस है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी। सबको मिलता है इसमें से, आपको भी मिलेगा, जिसने दिया सबको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल अथॉरिटी होती है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी ना होना तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई लाएगा तो किसके पास लाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड फॉर श्योर चीफ होता है या किंग होता है, जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये भी होता है, इट इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ हायरार्की। हायरार्की मतलब वही पैटर्न रैंक्स
होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, किंग होता है, उसके बाद उसका उसके होंगे जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो उसका काउंसिल होता है, तो एक हायरार्की यहाँ पे होती है जहां जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली इन सरप्लस इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमीज में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक तो होता है सस्टेनेंस वाला सिस्टम। सस्टेनेंस में क्या होता है कि आपने जितना प्रोड्यूस किया, आप खेती करते हो, आपने जितना प्रोड्यूस किया उतना आपका खर्चा है, तो आप क्या करोगे, आप अपना खर्चा निकाले तो बड़ी मुश्किल से और आप उसमें ही गुजारा करते हो। ये जो पॉसिबल होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है सरप्लस इकोनॉमीज में। आपने राइस कमाया, आपने कमाया 50 किलो, आपको चाहिए एक साल के लिए 10 किलो, तो जो आपके पास 40 किलो बचा ना, वो जाता है किसके पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। तो ये पॉसिबल है सरप्लस इकोनॉमीज में ओनली, सस्टेनेंस इकोनॉमीज में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। जैसे तोबरियन आइलैंडर्स होते हैं, एग्जाम्पल है, वहां पे दोनों वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, कुछ ग्रुप्स में वॉलंटरी होता है, कुछ ग्रुप्स में इनवॉलंटरी होता है। ठीक है जी, अब आप ये सोचेंगे यार ये क्या सिस्टम हुआ कि एक जगह पे लाते हैं फिर ऐसे ऐसे करते हैं। देखो इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है या मान लो एक कोई आइलैंड है, तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है, उसके बाद ये वाला साइड, मान लो तीन साइड, चार साइड, सेंट्रल साइड, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइस ज्यादा बनेगा, यहाँ पे फ्रूट्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेबल्स ज्यादा बनते हैं और यहाँ पे कुछ और बनता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज या डायरी प्रोडक्ट्स, ये ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनके पास ज्यादा बन गया, ठीक है, तो ऐसा अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो ये क्या करेंगे, इनका तो वेस्ट जाएगा, ऊपर से इनको जरूरत है वेजिटेबल्स की, ऊपर से इनको जरूरत है डायरी प्रोडक्ट्स की, ऊपर से इनको जरूरत है फ्रूट्स की, तो ये क्या करते हैं, जो इनका सरप्लस होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास लाते हैं, तो यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से वेजिटेबल्स आ गई किंग के पास, यहाँ से फ्रूट्स आ गए, यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, एक जगह पे यहाँ से राइस आ गया। अब जिनको राइस चाहिए वो राइस, उनको राइस दिया जाता है, जिनको जिनके पास कमी होती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, उनको ऐसे दिया जाता है, तो ऐसे सिस्टम चलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन में। आई होप आपको समझ आ गया हो। मोड्स ऑफ एक्सचेंज में हमने रेसिप्रोसिटी की बात की, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, हम अब ट्रेड की बात करेंगे। अब ट्रेड की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको ओके ओके सो ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में होता है सप्लाई वर्सेस डिमांड। ठीक है जी, जैसे मार्केट में आप जाएंगे ना तो डिपेंड करता है, जैसे प्राइस डिपेंड करेगा कि सप्लाई किस साइड में, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा सप्लाई वर्सेस डिमांड, आई होप आपने पढ़ा हो, तो जितना ज्यादा सप्लाई आएगा, अगर सप्लाई ज्यादा आएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, या डिमांड ज्यादा आएगी तभी प्राइस हो जाएगा, इन्फ्लेशन ऑल दैट, वो मेरा मकसद नहीं है। कहने का मतलब कि जो ट्रेड होता है ये एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, इज ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जहां पे क्या होता है, जो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा चक्कर चलता है, इनका रोल चलता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो तीन वेरिएंट्स बोले हैं, ये भी किसने बोले हैं, ये भी पोलियानी ने बोले हैं, तीन वेरिएंट्स ट्रेड, एक तो बोला गिफ्ट ट्रेड, उसके बाद बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड, और उसके बाद बोला मार्केटर। अब गिफ्ट ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पे बोला ये जो पार्टनर्स होते हैं गिफ्ट ट्रेड में, उनका एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये वही चीजें फिर से रिपीट हो रही है। ये जो सोसाइटीज होती है ना, सिंपलेस्ट सोसाइटीज या प्रिमिटिव सोसाइटीज जो होती है उनमें होता है। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है, आपने कुछ दिया वहां से कुछ मिला, ठीक है, आपने गिफ्ट दिया वहां से गिफ्ट दिया, ये सिंपल जो सोसाइटीज होती है इनमें सिस्टम ही ऐसे चलता है। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, होता है ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, होता है ट्रेड, मतलब कि आपको कुछ चाहिए किसी को और कुछ चाहिए, तो होता यहाँ पे ट्रेड है, लेकिन वो उससे एक सोशल टच दिया जाता है। ठीक है, एक सोशल टच उसे दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ सेरेमोनीज होती हैं, ये काइंड ऑफ सेरेमोनियल बनाया जाता है, इसमें सोशल जो है ना सोशल रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस के थ्रू इनको एज चैनल्स यूज किया जाता है
वो ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो हम कुछ आपस में ट्रेड करेंगे, लेकिन एज अ फ्रेंड करेंगे, दिखेगा नहीं ट्रेड हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड होगा। हम मैं आपको गिफ्ट दूंगा कुछ, आपको मुझे पता होगा आपको क्या चाहिए, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, तो ऐसे वाला होता है गिफ्ट ट्रेड, ठीक है जी। अब आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड में यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, आपको ये समझना है कि कुछ जो हैं चैनल्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो कंट्रोल की जाती हैं बाय दी अथॉरिटी या बाय दी गवर्नमेंट, वो ट्रेड की चैनल्स जो है वो कंट्रोल की जाती है। आप तो ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने ए हो, आपने बी को कुछ दिया, बी आपको कुछ सी कुछ देगा, लेकिन ये चैनल्स है ना, कहाँ से आप करते हो, किस हिसाब से करते हो, किस वैल्यू से करते हो, ठीक है, इससे इसको कंट्रोल कौन करता है, ये जो गवर्नमेंट होता है उसकी चैनल्स की, मतलब कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल्स होते हैं कि आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड एंड देन मार्केट ट्रेड। तो मार्केट ट्रेड में जैसे मार्केट ट्रेड है, तो यहाँ पे सप्लाई वर्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री होता है, जो डिमांड होती है उस जिस चीज की डिमांड होती है वो मार्केट में आता है, जिस उस चीज की सप्लाई बढ़ती है, तो वही जो सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट होता है गुड्स का, वो अनले बताता हूँ। तो मार्केट ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड ऐसे होता है सप्लाई वर्सेस डिमांड, ठीक है जी। जैसे हमारे मार्केट सभी हैं, जैसे मार्केट चल रहे हैं, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी या जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज ज्यादा सप्लाई में आएगा, मार्केट में पहुंच जाएगा, ठीक है, प्राइस उस हिसाब से डिटरमिन होगा। रेंज ऑफ गुड्स जो है ना, रेंज ऑफ गुड्स जैसे आप मार्केट में जाएंगे बहुत ज्यादा होगा, जो भी आपको जो आपको मार्केट में मिल जाता है, जो रेंज है अनलिमिटेड होता है ऑलमोस्ट गुड्स का जो रेंज होता है, ठीक है जी। और मनी जो है वो यूज किया जाता है, मनी यूज किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी तो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी, आजकल के दौर की डिजिटल डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी आप इसमें घुसेड़ सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मार्केट ट्रेड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो।